अरे कमो इंगो बे बच्चा जबरदस्त हस्ती 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 सॉरी की टीम ओनली ऑन पॉपीज अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर, मेरा नाम है सुनील मांझ और मैं पार्क व्हील्स रैली गैरेज टूर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जंग में मौजूद हैं, जंग के नवाई एक गांव में। साहबजादा सुल्तान साहब मेरे साथ हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रैली फर्टिनिटी में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आज का एपिसोड बेसिकली स्टार्ट इसलिए यहाँ से हो रहा है बिकॉज साहबजादा साहब जो हैं बचपन से लेके 2015 तक इन्होंने घोड़ों पे सवारी की थी और 2015 में इन्होंने डिसाइड किया कि रैली के अंदर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। तो आज हमने कोशिश ये की है कि हम स्टार्ट वहाँ से करें जहाँ से इन्होंने अपने स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया था। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। तो 2015 में ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि यार मैं जो है हॉर्स पावर इससे छोड़ के व्हील्स पर ट्राई करूँगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनील भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मुझे इज़्ज़त दी और यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। आपकी सारी टीम का, पाक व्हील्स की टीम का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बचपन से जैसे आपने फरमाया कि हमारा खानवादा जो है उसमें घोड़ों की ट्रेनिंग लाजमी है और मुझे भी बचपन से ये ट्रेनिंग मिली। और दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, एक हमारी नेज़ाबाजी की ट्रेनिंग होती है हॉर्स राइडिंग के साथ साथ, और जो दूसरी है वो हाई स्टेप वॉक की, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में चालबाज घोड़े भी कहते हैं या टोरे वाले घोड़े भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों की ट्रेनिंग होती है। नेज़ाबाजी की ट्रेनिंग जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सिंपल है, आसान है, लेकिन जो चालबाज घोड़ों की ट्रेनिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके अंदर काफ़ी एक तरह के, अगर हम मोटर स्पोर्ट की लैंग्वेज में आए तो उसमें काफ़ी इंजीनियरिंग शामिल होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमारे वो काफ़ी फेमस ट्रेनर हैं ज़मान शाह कुरैशी साहब। ठीक है सर। उनके जो दादा थे, दादा पीर शाह, फिर उनके वालिद पीर फजल शाह, फिर ज़मान शाह, वो शुरू से ही हमारे जो ख़ानदान के साथ उनकी वाबस्ती है। सही। उनसे भी मैंने ट्रेनिंग ली और नेज़ाबाजी की ट्रेनिंग मैंने अपने वालिद साहब से ली। 2010 तक मैं रेगुलर नेज़ाबाजी करता रहा। 2010 में मुझे एक मेडिकल इशू की वजह से डॉक्टर्स ने नेज़ाबाजी से और घोड़ा दौड़ाने से मना किया। ठीक है सर। रूटीन की थोड़ी बहुत राइडिंग तो मैं करता रहा। ठीक है। लेकिन 3-4 साल बड़े मुश्किल गुजरे। आप ख़ुद भी स्पोर्ट्स मैन हैं, माशाल्लाह रैलीज में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको आइडिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा क्लब है सुल्तानिया आवान क्लब के नाम से, तो अल्लाह ताला की करम से उसको अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। तकरीबन हर नेज़ाबाजी में हमारा एक हिस्सा तकरीबन बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। और घोड़ों की तादाद के लिहाज से और क्लब की पार्टिसिपेशन के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट क्लब है पाकिस्तान का। तो वो जब मेरा पूरा क्लब ग्राउंड में कंपटीशन के लिए होता था और मैं जो टीम कैप्टन होता था या क्लब को लीड करता था, तो मुझे कुर्सी पे बैठ के जो 3-4 साल मैंने देखा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लब से जो पाकिस्तान टीम में लोग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त में एक या दो राइडर्स हमारे क्लब से होते हैं उसमें, नेशनल टीम में, जो पाकिस्तान की नेज़ाबाजी की टीम है। तो कोशिश यही थी उस वक्त भी जब मैं नेज़ाबाजी रेगुलर कर रहा था कि हम अपने मुल्क के लिए अच्छे राइडर्स जो हैं प्रोड्यूस करें, अच्छे घोड़े प्रोड्यूस करें, अपने मुल्क का नाम जो है इस स्पोर्ट में रोशन करें। तो जब ये 3-4 साल का गैप था तो मैं यही सोच रहा था कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो खुशकिस्मती से मुझे चूलिस्तान रेस देखने का इत्तेफाक हुआ। ठीक है सर। 2014 में। सही। तो उससे मुझे काफ़ी खुशी हुई, स्पेशली हम सब पाकिस्तानी तो इंस्पायर हैं मोटर स्पोर्ट में नादिर मक्सी साहब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं उनसे मिला, उनको देखा, उनकी ड्राइविंग देखी, फिर मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस तलाश करके देखी, तो नेक्स्ट जो ईयर था चूलिस्तान में गाड़ी बना के गया बी प्रिपेयर में और मैंने पार्टिसिपेट। 2015 में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट रेस थी, उसको प्रिपेयर करने का भी पूरी तरह आइडिया नहीं था। ठीक है सर। लेकिन फिर चूलिस्तान के फौरन बाद मैं नादिर मक्सी साहब से मिला और उनको बताया कि मैं इस तरह रेस में आया हूँ और मैं आगे जाना चाहता हूँ। उनकी गाइडेंस से फिर मैंने अपनी गाड़ी बनाई। ठीक है। इवन के जो टकोमे का जितना भी सस्पेंशन का सारा सामान था वो नादिर मक्सी साहब ने मुझे अमेरिका से अरेंज करके दिया। ठीक है। और वो फिर मैंने इंस्टॉल किया और 15 के जो झल मक्सी थी उसमें 20 स्टॉक में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मेरी सेकंड पोजीशन थी। माशाल्लाह। और 2016 मेरी ए प्रिपेयर्ड की पहली रेस थी,
और अल्लाह ताला की करम से मैंने वो चुलिस्तान विन की थी। तो साहिबजादा साहब, अब हम आपकी अगर गाड़ियाँ अगर दिखाना चाहें अपने ऑडियंसिस को कि तो आपका जो एक मेन रैली ट्रक है वो क्या है, आपकी टीम की और गाड़ियाँ भी, ताकि लोगों को पता लग सके गाड़ियाँ कैसे। मोस्ट वेलकम। सो अब हम मौजूद हैं साहिबजादा सुल्तान साहब की मेन रैली व्हीकल के सामने। ये टकोमा है सर, ये मॉडल क्या है, इसमें इंजन क्या है और क्या क्या मॉडल्स हुए हैं? ये जी 2010 मॉडल है। ठीक है। बेसिकली तो ये 4 लीटर 1GR इंजन के साथ आता है। बिल्कुल। तो पहले मैंने इसमें टर्बो लगाया था और फिर उसमें मुझे प्रॉब्लम्स आए। सही है। तो फिर मैंने इंजन चेंज किया 4.6। ठीक है। जो 200 सीरीज के जी 1UR इंजन। सही है। तो वो कोई 3-4 रेसेस में वो यूज़ किया था। ठीक है सर। लेकिन वो जैसे एक ब्रेसर की हंगर होती है पावर की, मोर पावर, हाँ जी। तो वो इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। सही है। तो मैं सोच रहा था कौन सा इंजन डालूं, तो 5.7 जो टंडरा का इंजन है। ठीक है। 5.7 V8 स्पीड इसके अंदर है जी। इट्स ऑटो कार और मैनुअल? ऑटो जी, ट्रिप्टोनिक के साथ। अच्छा, और इसके अंदर जो बाकी इसकी रैली सस्पेंशन है, इसमें टोटल क्योस मुझे नज़र आ रहा है जी। टोटल क्योस जो है उसके साथ किंग शॉक्स के साथ है जी। ठीक है। और उसके अलावा बैक साइड पे डीवर्स के साथ किंग्स है। आगे ये डबल बाईपास शॉक्स है, सिंगल बाईपास है? आगे जी जो इसका साइड वाले है वो ट्रिपल बाईपास। ठीक है, ट्रिपल बाईपास है जी। और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है? लॉन्ग ट्रैवल। और इसमें तकरीबन कितने इंच का वो आ जाता है? इसमें जी 16 इंच का, 16 इंच ट्रैवल। ठीक है। और अगर आप इसकी बॉडी की बात करें तो बिकॉज ये प्रिपेयर्ड क्लास में, तो इसमें तो कोई लिमिट नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसका। वैसे नॉर्मली तो बोनट भी किया जा सकता है, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसका ओरिजिनल बोनट ही रखा। बोनट जो है स्टील में है, लेकिन बाकी जो इसकी साइड्स हैं ये फाइबर की हैं। सारी गाड़ी बैक साइड से फाइबर की है जी। दरवाजे? दरवाजे इसके ओरिजिनल ओरिजिनल है। और अगर हम इसके व्हील्स की बात करें, मैं हमेशा कहता हूँ व्हील्स के ऊपर बड़ा जोर देना चाहिए। एक तो इसमें मुझे लग रहा है बीड लॉक रिम्स है। बिल्कुल। क्योंकि आपका एक हिस्ट्री है, मैंने देखा कि अक्सर आपने रेस खत्म किए बगैर पहिए के रिम के ऊपर। बिल्कुल। उसमें हमारे ऑडियंस के लिए बता सकते हैं आपके बीड लॉक का फायदा क्या होता है, और बीड लॉक से जो इसका एज अपोज टू अ नॉर्मल रिम, हाउ इज इट सुपीरियर? नॉर्मली पाकिस्तान में बीड लॉक तो यूज़ कम लोग ही करते हैं, मेथड व्हील सारे यूज़ करते हैं या इवो कोर्स यूज़ करते हैं रेसर हमारे जितने भी हैं। मेरा थोड़ा सा ड्राइविंग स्टाइल जो है वो शायद टर्न्स में थोड़ा सा एग्रेसिव है। काफ़ी ज़्यादा तो, काफ़ी मैंने काफ़ी आपकी वीडियोस देखी है, बल्कि हम यूज़र्स को दिखाएंगे भी साथ बीरोल में जी। तो वो काफ़ी एग्रेसिव है, तो उससे अक्सर मैं टायर उतार देता था। ठीक है सर। तो फिर मैंने नादर मक्सी साहब से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा बीड लॉक डालो। बीड लॉक का एक थोड़ा सा एक साइड इफ़ेक्ट आप कह लें वो ये था कि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपकी गाड़ी के ऊपर इंजन पावर टू वेट रेशियो जो है उसका फ़र्क आता है। लेकिन चूंकि वो टायर उतार के आने से बेहतर था कि मैं थोड़ा सा भारी व्हील डाल लूँ। सो आपने उसके साथ BF गोडरेज के KO2 जो टायर बिल्कुल ठीक है वो हैं जी। सही। अगर हम इंटीरियर की तरफ आएँ सर, इसके इंटीरियर में जो है वो क्या क्या मॉडिफाई किया हुआ है आप लोगों ने? एक तो इसकी स्पार्को की सीट्स हैं, स्पार्को के ये 5-link हॉर्नेसेज हैं। बिल्कुल ठीक है। स्पार्को का ही इसका व्हील है। ठीक है सर। बाकी जो इसका मीटर वगैरह है ये सारा जो टंडरा के साथ आता है वही इसमें डाला हुआ है। ठीक है, उसकी कैलिब्रेशन के लिए ताकि इंजन के साथ बिल्कुल वगैरह। सही है। और उसके साथ ये फ्यूल इंडिकेटर अच्छी क्वालिटी के रोल केज की एक है सेटअप, और उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक की ये गेज लगी हुई है। तो इसमें दो फ्यूल टैंक्स हैं? दो फ्यूल टैंक्स हैं। ठीक है। और मुझे इसके अंदर यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का भी सिस्टम नजर आ रहा है? इसमें एग्जैक्टली ये स्पार्को के जो रेडियो हेलमेट्स होते हैं, क्योंकि को ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। गाड़ी के अंदर इतना शोर होता है बिल्कुल कि उस वक्त आपको एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। सही है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इस सिस्टम के साथ? बिल्कुल ठीक है। और ये जो इसका रोल बार है जी, इसकी भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है ताकि खुदा ना खासा अगर गाड़ी रोल ओवर होती है जी। बल्कि जो जिन्होंने नादर मक्सी साहब की गाड़ी बनाई थी, टिम डंकन, सही है, उनसे चुलिस्तान में लास्ट मुलाकात हुई, तो मैंने उनको सारी अपनी गाड़ी दिखाई थी 2 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं अभी तक सबसे बेस्ट रोल केज आप। Actually, to be honest with you, that's one of the nicest rolls cages I've seen on a Pakistan truck. एक और सवाल इससे मेरे जहन में है कि हमेशा अक्सर लोग कहते हैं जो रैली को इतना समझते नहीं कि दो लाल टकोमे हैं पाकिस्तान में, एक आपको और एक नादिर मक्सी साहब को, और ये गाड़ियाँ ट्विंस हैं, तो किस हद तक ट्विंस हैं, कितनी करीब हैं एक दूसरे से? चूँकि उस्ताद शगिर्द का रिश्ता है, हम भी बड़े क्लोज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गाड़ियाँ भी वैसे तो उनकी जो है वो एक्सेस कैब है, ये 4-door वाली है। ठीक है। तो वैसे तो मेरे ख्याल में इनमें फ़र्क है काफ़ी चीज़ों का। सही है। उनका जो 5.7 है वो 2nd generation टकोमा में जो आया था मेरे ख्याल से वो वाला है, और इसमें जो लेटेस्ट। बट सर आपने कहा उस्ताद शागिर्द का रिश्ता, तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और वैसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान की रैली सर्किट में मेरा ख्याल कोई ऐसा बंदा होगा जो नादिर मक्सी साहब को उस्ताद नहीं मानता होगा, बिकॉज हम बचपन से उनका नाम सुनते आ रहे हैं, और ही इज़ वेरी काइंड ना, वो हमेशा लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। अच्छा सर, अगर बैक साइड पर आ जाए इसके हम, तो ये जो बैक है इसका, ये भी फाइबर का है?
जी बिल्कुल, इसका बैक भी फाइबर का है। और ये क्या चीज़ है? ये जी सैंड मैट है कि अगर आपकी गाड़ी रेत में फंस जाती है, सही है, तो आप ये मैट टायरों के नीचे लगा के आप गाड़ी निकाल सकते हैं। और ये इसका फ्यूल सेल, ये एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक है जी। ठीक है सर जी। और इसके साथ ये इसका पीछे का जो केज है, ये टायर्स वगैरह और बाकी चीज़ों के लिए, सही है। ये टायर का जी सर, टायर जो है ये बेसिकली वेट भी ऐड करते हैं गाड़ी के जी, टायर वेट भी ऐड करते हैं। और साथ इसमें चूंकि आपने कम से कम टाइम में, अगर सपोज आपका टायर बस्ट हो जाता है, आपने चेंज करना है, तो कम से कम टाइम में करना होता है, तो इसके साथ इसको हम को ड्राइवर में मिल के खोल लेते हैं। एक दफ़ा हमने कोशिश भी की टायर अच्छे टाइम में चेंज करने की और अच्छा। कर भी लिया था। हाँ, क्योंकि वो रैली में तो ये होता है कि आपका एवरी सेकंड काउंट्स, और वो जो इतना वो है। अच्छा, ये मुझे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नज़र आ रहा है जी। सेफ्टी के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तान में लोग ज़्यादा इतना जोर नहीं देते, बट मैंने देखा है कि आपकी पूरी गाड़ियों में भी, आपकी टीम के अंदर भी सेफ्टी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, तो उसके बारे में आपका ख्याल है कि आप मैसेज देना चाहें लोगों को? बिल्कुल जी, ये बहुत ही ज़रूरी है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि झल मक्सी रेस में टर्बो का मेरा जो इशू हुआ था, वो इंजन रूम में आग लग गई थी। ओहो। तो हमने एक फायर एक्सटिंग्विशर पीछे, अब दो रखे हैं, उस वक्त एक होता था, एक गाड़ी के अंदर रखा हुआ ठीक था। है सर। तो मैंने और मेरे को ड्राइवर ने मिलके वो दोनों फायर एक्सटिंग्विशर निकाले और जाके आग बुझाई। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। बल्कि हमारी रैकी की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, रैकी की गाड़ी में भी हम रखते हैं, और मेरी जो रूटीन के यूज़ की गाड़ी है, डेली यूज़ की, जिसमें मैं ट्रैवल करता हूँ, उस गाड़ी में भी फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आपकी मेन रैली व्हीकल होगी, इसके साथ अगर हम देखें तो ये आपकी रैकी व्हीकल है जी। एक आम ऑडियंस के लिए आप बताएंगे रैकी का क्या मतलब होता है? रैकी का मतलब है जी, बिल्कुल, अक्सर लोग ये हमसे पूछते हैं कि रैकी क्या है जी। रैकी पाकिस्तान के अंदर और जो हम मेथड नॉर्मली फॉलो करते हैं वो है बाहा का। ठीक है सर। और बाहा में भी इसी तरह है कि वो आपको ट्रैक ओपन कर देते हैं एक महीना पहले। सही है। आप जाएं पूरा ट्रैक विजिट करें, घोड़ा और घोड़े का मैदान, बिल्कुल ट्रैक विजिट करें, अपनी जो आपने मार्किंग्स करनी है, अपने स्पीड टर्न्स के हिसाब से, बम्प्स, फ्लाइट्स, जो भी नोट करनी है आप आराम से अपना नोट करें। जबकि डाकार है या जो यूएई में मैं रेसेस करता हूँ, उसमें बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको शाम तक नहीं पता होता कि सुबह रेस कहाँ पे स्टार्ट होनी है। वो एक सरप्राइज मिलता है, वो सरप्राइज मिलता है, और वो आप वे पॉइंट्स के ऊपर हैं, और वे पॉइंट टू वे पॉइंट चलते हैं। तो पाकिस्तान के केस में आपको जी रैकी के लिए एक दिन दिया जाता है कि आप जाके ट्रैक, एक दिन नहीं, जो भी हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, कम से कम 4 से 5 दिन होते हैं हम आराम से। तो रैकी के लिए आपको एक डिफरेंट, जिसको आप प्री रनर कह लें दूसरी जुबान में, तो वो एक चाहिए होता है। तो नॉर्मली जैसे नादिर मक्सी साहब भी समटाइम पोलारिस की गाड़ी यूज करते हैं, बगी जो है, और भी हमारे कुछ दोस्त हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि मुझे एक प्रॉपर एक गाड़ी चाहिए, क्योंकि मैं नया आया था, इतना टाइम नहीं था, और मैं अपना हाथ बिठाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें भी मैंने ये किया कि प्रॉपर, जैसे आप पीछे भी देख रहे हैं कि इसके फाइबर ग्लास का वर्क है, फ्रंट पे भी टोटल क्या उसका लॉन्ग ट्रेवल किंग शॉक्स के साथ है, तो और ईवो कोर्स के व्हील हैं, बीएफ गुडरिच के टायर्स हैं। तो मुझे लगता है जितनी परफेक्शन से ये गाड़ी बनी हुई इंटीरियर से मेद भी, तो इसको अगर आप रैकी के अलावा नॉर्मल रेस में भी डालना चाहते हैं, 100% बल्कि बी प्रिपेयर्ड में सुल्तान बहादुर अजीज इस पे सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। और इसके इंटीरियर में भी इस तरह सारी आपकी बकेट सीट्स हैं, स्पार्को की स्टीयरिंग मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है सर। लेकिन बाकी 5 लिंक हार्नेसेस, रोल केज, प्रॉपर पूरे जो भी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए वो कोशिश करते हैं। सो ये आपकी रेकी व्हीकल भी है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई मेन गाड़ी में इशू आता है तो आप इस पे रेस भी कर सकते हैं। मैं इस पे रेस भी कर सकता हूँ। ठीक है। और रेकी व्हीकल का मकसद ये कि आप अपनी मेन गाड़ी को बचा के रखें, और पहले ट्रैक को अगर आपने सीखना है, प्रैक्टिस करनी तो करें, ट्रैक को अपनी मार्किंग के लिए भी और अपनी प्रैक्टिस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है सर। और ये रोल केज वगैरह मैंने इसलिए कराया क्योंकि अक्सर रेस में मेरा को ड्राइवर मुझे ये कह रहा होता है कि जिस स्पीड में आप रैकी करते हैं, सही है, अगर उस स्पीड में आप रेस भी कर लें, क्योंकि रेस में मैं बिल्कुल बड़ी कैलकुलेशन के साथ चलता हूँ, रैकी में आप फ्री स्टाइल हैं, टायर उतर गया, कुछ टूट गया, सही है, आप खड़े होकर जोड़ सकते हैं। तो को ड्राइवर ये सेकंड चांस होता है उसमें। हाँ। जी, तो को ड्राइवर ये कहता है कि आप रैकी की स्पीड में अगर रेस कर लें तो हम हर रेस विन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपने बिल्कुल कहा कि हम 100% उसको बेसिकली ऐसी चीज बनाएंगे ताकि अगर हम मेन रेस पे भी जाएं तो हमें पता लगे। बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी टीम की दो गाड़ियों की, एक और मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जो सुल्तान बहादुर अजीज साहब गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल, ये उनकी ये बी स्टॉक और मेरा ख्याल है इस गाड़ी को मैंने कई पोडियम जीते देखे। बिल्कुल, इसने माशाल्लाह इसी गाड़ी ने FTD भी लिया, हालांकि बी में थे, लेकिन स्टॉक कैटेगरी में फर्स्टेस्ट टाइम ऑफ द डे जो लास्ट थल रैली थी 2019 की, उसमें इनका था। और चुलिस्तान में भी ये सेकंड थे, झल मक्सी में भी ये सेकंड थे। ठीक है। सो ये तो रैली की व्हीकल, आप नॉर्मल लाइफ में भी 4x4 ही चलाना पसंद करते हैं कि दूसरी गाड़ियां भी आपको शौक है? बिल्कुल जी, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि कभी कार चलानी पड़ जाए तो मुझे लगता है कि
बड़ी अनकंफर्ट सी फील होती है, सही है। और बिल्कुल 4x4 के ऊपर, और फिर अक्सर हमारी ट्रैवलिंग इस तरह की होती है कि कहीं पक्का रोड है कहीं पे नहीं है, तो ऑफ रोड ऑन रोड आपको हर जगह 4x4 चाहिए होती है। और नॉर्मल रूटीन के अंदर जो मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है और जिसमें मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ वो निसान 560 है, बिल्कुल निसान पेट्रोल। और आपके पास 80 सीरीज क्रूजर भी है, तो आप, मैंने देखे ओल्ड स्कूल गाड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, पुराना सर्फ हो गया ये, एग्जैक्ट ठीक है। इसके अलावा मुझे साइड पे एक बड़ी अच्छी खूबसूरत ये इम्पाला है, ये नज़र आ रही है, बिल्कुल ये शेवरलेट इम्पाला है 1963 की, सही। तो और इसके सर क्या कोई डिटेल है को हमारे ऑडियंस के लिए बताएं? बिल्कुल, ये रेस में आने से पहले जैसे मैंने बताया कि सिर्फ घोड़ों का एक शौक था सर, तो साइड में मुझे ये काफ़ी अच्छी ये शेप लगी इम्पाला की, तो मेरे एक जानने वाले उनके पास थी तो मैंने काफ़ी पहले ये ली थी। और ये अपने जेन्युइन इंजन में? बिल्कुल जेन्युइन इंजन में, हर चीज़ इसकी रिस्टोर्ड है, ठीक है, बट वो एवरीथिंग इज़ जेन्युइन। और इसको सम टाइम मैं साल में एक दो दफ़ा इस पर इसको चला भी लेता हूँ, कहीं ट्रैवल भी कर लेता हूँ, लेकिन इसको इटसेल्फ ये एक बड़ा मास्टर पीस है और मुझे बिल्कुल पसंद है। नहीं जी, पुरानी गाड़ी को संभाल के रखना है, शौक से रखना है, पता लगता है कि इंसान को कितना शौक है किसी चीज़ का, बिकॉज नई चीज़ तो हमेशा के तो हर बंदा ले सकता है, लेकिन पुरानी चीज़ जो है उसको मेंटेन करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आपकी जो कलेक्शन में एक दो मैं और देख रहा था पुरानी गाड़ियाँ, हम अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे। जी जरूर। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास मर्सिडीज 2 126 है जी, 126 आपकी कोई फेवरेट है? बिल्कुल, मुझे ये शेप काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल भी है, इसमें ट्रैवल करना बहुत अच्छा है, बहुत आरामदेह है, ठीक है। और ये 1986 मॉडल है? ये 1984 है। 84 जी। और ये 280S और ये दूसरी वाली है? जो दूसरी है जी ये है 380SCL, ठीक है, ये 1982 है जी। 82 है जी। और इस गाड़ी का कंफर्ट और लग्जरी की वजह से आपने ये रखी हुई? बिल्कुल, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसके। अच्छा, आपकी जितनी भी चॉइस है गाड़ियों की मैं देख रहा हूँ, जो क्राउन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है, तो आपको मेरा ख्याल है स्मूथ राइड पसंद है। इसलिए आपने बताया कि जीप से गाड़ी पे आना मुश्किल है और गाड़ी में आके बिल्कुल स्मूथ जो राइड है वो पसंद। एग्जैक्टली ऐसी है। अब जो डिफेंडर आपने तैयार की है उसके बारे में कोई बताना चाहेंगे? अगेन वो बेसिकली मैंने तैयार तो की है इसलिए कि जैसे रैली के अंदर समटाइम हमें रिकवरी की ज़रूरत पड़ जाती है, टीम को ज़रूरत पड़ती है, समटाइम कहीं ऑफ रोडिंग के लिए अगर आप जाते हैं, सही है, तो जैसे हमारा सून वैली के अंदर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सम ट्रैक्स इस तरह के हैं कि अगर वहाँ पे इवन के हाईलैक्स वगैरह भी नहीं जा सकते तो डिफेंडर के ऊपर वहाँ जाना ज़्यादा आसान। रिलायबिलिटी भी है और उसमें पावर भी काफ़ी मज़े की। और एक आपकी कलेक्शन में जो लिमो है इसके बारे में अगर आप बताना चाहेंगे क्या मॉडल है इसका? ये 1982 है, शेवरलेट कैपिस क्लासिक, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त राइड है और स्पेशली इसमें तो पीछे बैठ के अगर आपने कोई लंबा ट्रैवल करना है, सही है, और 5-6-7 लोग हैं तो आराम से आप बैठ के अपनी मीटिंग भी कर सकते हैं। और ये कितने अरसे से आपके पास है? ये भी कोई 15 ईयर से है। अच्छा माशाल्लाह, ने सारी गाड़ियाँ जो है मैंने देख रहा हूँ आपका उनसे लंबा एफिलिएशन है किसी रैली में आने से पहले की पुरानी गाड़ी है सारी। रैली के बाद फिर अटेंशन जीपों की तरह चली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो आप मेंटेन करते हैं गाड़ियाँ जिसमें आपने पूरी टीम बनाई हुई है, तो क्योंकि गाड़ियाँ ब्रेक डाउन भी बहुत ज़्यादा होती हैं और इस तरह जब टीम के उसमें चलते हैं, जिसमें आपने बताया कि तकरीबन 4 या 5 के करीब अभी पार्टिसिपेंट्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है स्पेयर्स को मेंटेन करना? और अगर जो आपकी टीम है वो एक टाइम पे, इस तरह आप हमें अपना स्टोर भी दिखा रहे थे, तो कितना जो है इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है पार्ट्स की? मेरे ख्याल में अभी तो कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं कि अवेलेबिलिटी यहाँ पे ऑफ रोड रेस की जो गाड़ियाँ हैं, रेसिंग की गाड़ियों की तो खैर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑफ रोड की रूटीन की गाड़ियों की पाकिस्तान से मिल जाती है, ठीक है सर, तो इतना मुश्किल नहीं है। समटाइम अगर किसी गाड़ी को कोई पार्ट्स वगैरह तो इनके भी जो 126 हैं इनके भी आसानी से मिल जाते हैं, शेवरलेट के भी मिल जाते हैं, लेकिन समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्पेयर में एटलीस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ मौजूद हो कि रूटीन की मेंटेनेंस हम इधर ही अपने गैरेज जो आपकी फ्लीट की हैं गाड़ियाँ उन सब की आप जो एक मिनिमम एक रिक्वायरमेंट अपने पास रखें। बिल्कुल, वो कोशिश करते हैं हमारे। अच्छा सर, मैं देख रहा था कि गाड़ियों के अलावा आपको जानवरों का भी शौक है, आपको घोड़ों का वैसे शौक था, बाकी मैं आपके यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जानवर है, तो कौन कौन से जानवर हैं उनका आपको खास तौर पर आपको शौक है, बच्चों को शौक है? बेसिकली जी, अल्लाह ताला की ये जो बनाई हुई ये खूबसूरत ज़मीन है और ये खूबसूरत परिंदे हैं, जानवर हैं, सही है, इनके साथ भी एक लगाव है। जो छोटे भाई हैं सुल्तान बहादुर अजीज़, वो इनको ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं, बट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि एक अल्लाह ताला की जो बनाई हुई ये तख्लीक है, इसको देख के, इसको रख के और इसको पाल। तो इसमें शेर है, हिरन है? बिल्कुल, शुतुरमुर्ग है, मोर हैं, कुछ बाकी परिंदे हैं। तो तकरीबन एक मिनी जू आपके घर पे भी आपने बनाया हुआ है। सर, हम आपके जो फाइनल रिजल्ट होता है रैली का, किसी भी रैली ड्राइवर के लिए मेरा ख्याल है पोडियम बहुत ज़रूरी होता है, और मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि इट्स नॉट द प्राइज मनी, इज़ द वैल्यू ऑफ द प्राइज़ के इंसान कहता है कि यार मैंने एक चीज़ हासिल की है। बिल्कुल, तो हम आपका ट्रॉफी रूम देखना चाहेंगे और लोगों को दिखाना चाहेंगे। जी जरूर।
सर ये तो इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज हैं, मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी रैली नहीं है 2016 के बाद जिसमें माशाल्लाह आपने पार्टिसिपेट किया और पोडियम ना लिया। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने फिनिश किया है, सेफ फिनिश किया है, तो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आई है, एक दफ़ा मैं सिर्फ थर्ड। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज हैं, इनमें से सबसे यादगार और सबसे फेवरेट आपकी कौन सी? वैसे तो हर ट्रॉफी के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, पूरी एक दास्तान है, लेकिन जो सबसे पहली मेरी ट्रॉफी थी झल मक्सी में 20 स्टॉक के अंदर जो सेकंड प्लेस की, सही है। मैं समझता हूँ मुझे इसकी जितनी ज्यादा खुशी हुई थी वो नाकाबिल। ये बेसिकली पहला स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके बाद ये तमाम चीजें इसके ऊपर आई। बिल्कुल, तो ये देखने में शायद छोटी है लेकिन बेस इसकी सबसे मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। ठीक है सर। और फिर जिस ट्रॉफी ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली और काफी अल्हम्दुलिल्लाह एक इनकरेजमेंट मिली मुझे, वो ये चुलिस्तान की ट्रॉफी थी जो ए प्रिपेयर्ड में, ए प्रिपेयर्ड में जो फर्स्ट पोजीशन 2016 चुलिस्तान, ये किसी भी रेसर का ड्रीम हो सकता है चुलिस्तान में पहली पोजीशन और ए स्टॉक ए प्रिपेयर्ड, ए प्रिपेयर्ड के अंदर, मतलब इसके ऊपर कोई चीज नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद ये गवादर के अंदर में नेक्स्ट जो रैली हुई थी उसमें फर्स्ट आया था। और गवादर की मुझे यहाँ पे तीन नजर आ रही है, तीन के तीन जी, बिल्कुल दो में मैं फर्स्ट आया था और एक में सेकंड था जी। ठीक है। और ये चोलिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीती, उसके बाद फिर गवादर जीती और थल जीती, तो ये मेरी हैट्रिक हुई थी जीती हैट्रिक मुकाबले। और एक आपको आर्मी चीफ साहब ने दी थी, मुझे याद है, वो भी एक यादगार लम्हा होता है बिकॉज हमारे मुल्क के जो सफ़ेद सलार आज़म है उन्होंने आपको एक चीज़ कॉन्फर किया है, मेरा ख्याल एक विटारा दी गई थी आप। बिल्कुल, विटारा कार मिली थी और उसके साथ साथ ये ए प्रो की जो फर्स्ट की ट्रॉफी थी और ये आर्मी चीफ ने आपको खुद दी थी, आर्मी चीफ ने, और ये 2017 में हुई थी। 2017 रैली कहाँ पे हुई थी? ये रैली गवादर में हुई थी। गवादर। और ये मेरे ख्याल में पहली रैली थी कि मेरी और नादिर मक्सी साहब दोनों की फिनिश हुई थी। अच्छा, और आप जो हैं नंबर वन पे थे? मेरा नंबर वन था जी, 20 क्लोज था 26 सेकंड से, बट वैसे उनके क्लोज नंबर टू आना भी बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है। और ये तो एक, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा पोडियम या कोई भी ऐसी रैली, मैं भी अगर किसी रैली में जाता हूँ मैं कहता हूँ जी अगर मैं किसी भी पोडियम में आ जाऊँ और कहीं भी लिस्टिंग में नादिर मक्सी साहब का नाम है तो मैं कहता हूँ जी जी बिल्कुल है, ये बहुत बड़ा ऑनर है उनके साथ रेस करना और फिर पोडियम पर खड़ा होना। मैं तो बल्कि अक्सर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम पोडियम पर इकट्ठे प्रॉपर जो 1, 2, 3 की पिक्चर होती है वो हम कोशिश करते हैं कि लें। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी ट्रॉफी नज़र आ रही है, ये किस चीज़ की है? ये फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे की है जी, थल 2019 की, बहादुर अजीज की। बिल्कुल ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी नए लोग आते हैं, सीखने वाले आते हैं, उनको न सिर्फ उनको टिप्स दें ड्राइविंग के हवाले से, गाइड करें बढ़ के गाड़ी को किस तरह से प्रिपेयर्ड करना है, आपने किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, उसके ऊपर भी गाइडेंस देते हैं। और इवन के सम टाइम नए लोग जो रेस में होते हैं, अगर उनको वहाँ ड्यूरिंग द रेस अगर कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है, हमारी टीम मौजूद होती है, तो हम पूरी कोशिश। उसका गवाह मैं खुद, मैंने झल मक्सी जो लास्ट हुई थी 2019 में, उसमें मेरी गाड़ी का पहिया उतर गया था और मैं जब हाफ पॉइंट पे पहुंचा था तो वहाँ पे आपकी टीम खड़ी थी एंड दे वर सो हेल्पफुल, उन्होंने मेरी गाड़ी का पहिया चेंज करके दिया, मुझे कहा जी आप हाथ ना लगाएं हम करके देते हैं, और बड़ी जल्दी उन्होंने मेरा जो था टाइम भी नहीं जाया उन्होंने दिया और मेरी हेल्प की थी। तो सर ये जो इधर ट्रॉफीज़ पड़ी हैं, ये सुल्तानी अवान क्लब जो है आपका जो घुड़सवारी का, ये उनकी ट्रॉफीज़ हैं? बिल्कुल जी, ये सुल्तानी अवान क्लब की ट्रॉफीज़ हैं जो हमारे नेज़ाबाजी के कम्पटिशन होते हैं, मुकाबले होते हैं पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट, एक ही वक्त में यानी 3-4 बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं जिनमें 500 प्लस राइडर्स होते हैं, तो एक ही टाइम में 3-4 हज़ार राइडर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नेज़ाबाजियों में अल्लाह ताला ने हमारी टीम को ये कामयाबियों से नवाजा, और इस तरह से अभी बहुत सारी ऐसी ट्रॉफीज़ हैं जो यहाँ पर पूरी नहीं आ सकती थी, तो वो डिफरेंट। तो मेरा ख्याल है कामयाबी का सफर हॉर्स से लेके हॉर्स पावर तक यहाँ पे जो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह मियां आपको मजीद कामयाबी दे, और हम कोशिश करते रहेंगे और दुआ गो रहेंगे कि आपके लिए मजीद जो कामयाबी अल्लाह मियां आपको सब करा। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, कॉमेंट सेक्शन में अपने राह से आगाह करते रहा करें, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज को पहले से बेहतर बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पॉकवीज।